दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को बैकअप ओपनर की तलाश है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल टीम के मुख्य ओपनर हैं, लेकिन टीम में फिलहाल कोई बैकअप ओपनर इस समय नहीं है। ऐसे में अभिमन्यु ईश्वरन इस जगह को फिल कर सकते हैं। दरअसल दिलीप ट्रॉफी 2024 के दूसरे और तीसरे मैच में शतक जड़ने वाले अभिमन्यु ने ईरानी कप 2024 में भी शानदार शतक जड़ दिया है। उन्होंने मुंबई के खिलाफ लखनऊ के क्रिकेट स्टेडियम में 117 बॉलों में सेंचुरी पूरी करी। ऐसे में अभिमन्यु ईश्वरन को आने वाले वक्त में भारतीय टीम में मौका मिल सकता है। इससे पहले दो बार रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंडिया में अभिमन्यु को शामिल किया गया था, लेकिन वो डेब्यू करने से दूर रह गए।